अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। ये टिक्की हरी मिर्ची है, ये आधा केजी ली हूँ मैंने, धोके नितार के पोच के अब कट करके लेंगे। 5 नींबू ली हूँ मैंने, बड़े साइज के गावटी नींबू है ये, आपके यहाँ जो अवेलेबल है आप इस्तेमाल करो। आधी कटोरी भर के मैंने बड़ी सौंफ ली हूँ, 1/2 कटोरी भर के मैंने धनिया ली हूँ, 1 छोटी कटोरी फुल भर के जीरा और मेथी दाना ली हूँ मैंने छोटी 1/2 कटोरी। मिर्ची अगर हमको अच्छी रखनी है तो अच्छी रखने की मैं कट करके लेने वाली हूँ, आप अपने हिसाब से रखना। गैस पे मैंने तवा रखी हूँ गरम करते, उस पर मैंने धनिया जीरा बड़ी सौंफ और मेथी दाना, मेरे को राई की दाल मार्केट में मिली नहीं इसलिए मैंने अच्छी राई ली हूँ। जो कटोरी मैंने ली हूँ ना धनिया की, वो फुल भर के मैंने राई ली हूँ अक्खी, उसको भी साथ में हल्का हल्का भून के लूंगी। स्लो आंच पर हम 2 मिनट तक ऐसा हल्का हल्का भून के लेंगे उसको। मिर्ची को भी हमने कट करके लिए, 3 लहसुन की अक्खी गड्डी हमने छिलके उतार के लिए। लगनी रखी गैस पे गरम करने के लिए, लगनी हमारी गरम होने के बाद डाली मैंने तेल। ये मस्टर्ड ऑयल है, आपके पास अगर अवेलेबल होगा तो आप डालिए, मैंने थोड़ा सा डाली हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अचार ज्यादा दिनों तक टिकता है, खराब नहीं होता। 1/2 लीटर के आसपास मैंने तेल ली थी, अच्छे से गरम करके ली, लहसुन को मैंने मोटा मोटा कूट के ली और तेल फुल गरम होने के बाद मैंने लहसुन डाली। यहाँ मैंने जो मसाला भून के ली थी, धनिया मेथी दाना बड़ी सौंफ राई, उसको मैंने पीस के ली मिक्सर के जार में। मोटा मोटा पीस के लेना है, बारीक नहीं करना है। लहसुन को भी हम ज्यादा लाल नहीं करेंगे, जैसा हम आम के अचार को करते हैं उतना लाल नहीं करना है हमें, बस इतना ही फ्राई करके लेंगे। लहसुन ज्यादा लेने की क्योंकि उसका मसाला बनता है ना तो टेस्ट आता है। लहसुन भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एक चम्मच फूल भर के हींग डालेंगे। गैस को हमने स्लो करके रखी है। जो मसाला मैंने पीस के रखी थी उसको भी तेल में डाल के लेंगे। तेल गरम है, गैस हम एकदम लो फ्लेम पे रखे, मसाले को बिल्कुल जलने नहीं देना है हमें। तेल में हल्का हल्का फ्राई करके लेंगे मसाला। मिर्ची में तो कोई टेस्ट नहीं रहता है, बस तीखी रहती है। हम मसाला जैसा डालेंगे वैसा अचार में टेस्ट आएगा। मैंने जाड़ा नमक ली हूँ, 1.5 चम्मच मैंने जाड़ा नमक डाली। आप ज्यादा खारा खाते हो तो अपने हिसाब से कम ज्यादा करो। दो चम्मच फूल भर के मैंने हल्दी डाली, हल्दी को भी अच्छा फ्राई करके लेंगे अंदर। कोई भी मसाले को बिल्कुल जलने नहीं देने का है हमें, बार बार चम्मच चलाते हुए मसाला फ्राई करके लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दी, तेल गर्म है उसमें मसाला फ्राई हो जाएगा हमारा।
मसाले को अच्छे से मिक्स करके लिए। एक हाथों गरम मसाला है, एक चम्मच फूल भर के डालो। आपके पास नहीं रहेगा घर का होममेड मसाला रहेगा तो आधी चम्मच डालो क्योंकि वो स्ट्रांग रहता है। ये मैजिक मसाला है, इसका एक पैकेट अक्खा डालने का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता। आधा केजी के लिए मैंने सिर्फ एक पैकेट इस्तेमाल किया हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाले को ठंडा करके लेंगे हम। मैंने सारे नींबू का रस निचोड़ के ली थी, मसाला ठंडा होने के बाद उसमें डाल के लेंगे हम। सारा नींबू का रस मैंने मसाले के अंदर डाली, अच्छे से मिक्स करके लेंगे मसाले के अंदर। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मसाला देखो हमारा कितना अच्छे से बेहतरीन तरीके से बना है। एक बार जरूर ट्राई करके देखना। जिसको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो कमेंट जरूर करके बताए। मसाला पूरा ठंडा होने के बाद मिर्ची मिक्स करेंगे उसके अंदर। सारे मिर्ची को हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो नींबू का इस्तेमाल और ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मुरने के लिए कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा, कांच के बर्नी में भर के रखने का। कोई भी चीज को कांच के बर्नी में रखने से ज्यादा दिन तक टिकता है वो। अच्छे से हमने मिर्ची को मसाले में मिक्स करके लिए। टेस्ट करके देखेंगे, बहुत बेहतरीन बना। यहाँ हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है।